आइए आज हम डेसिमल वाले नंबरों को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सिखाते हैं बहुत ही सरल तरीके से। देखिए जैसे कोई भी नंबर है 3 है तो 3 में कुछ बातें ऐसे देखिए तो सिर्फ 3 दिखता है लेकिन जरूरत पड़ने पर और भी कुछ दिखता है। जैसे 3/1 दिखता है, लिखा नहीं जाता लेकिन 1/1 होता है। इसी तरीके से इसकी पावर 1 होती है। ये कितने 3 है, 1/3 है, तो ये सब चीजें होती है। और एक चीज और जो छुपी रहती है वो है डेसिमल। 3 को हम 3.00 लिख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आइए हम अपने नियम पर आते हैं। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने पर, 10 से मल्टीप्लाई किया तो यही नंबर यहां कॉपी कीजिए 3000। फिर देखे इसमें जितने जीरो हो, 10 है तो 10 होगा, 100 है तो 20 होगा, 1000 है तो 30 होगा। तो यहां पर 10 है तो जहां पर डेसिमल था वहां से 1 डिजिट राइट की ओर बढ़ा दीजिए तो ये 30 रिजल्ट आएगा, 30.0 ये रिजल्ट आपको मिलता है 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। लेकिन अगर यहीं पर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर को तो देखिए यहां पर नंबर तो यही कॉपी करना है आपको 3.00, तो 3 है 00 लिख लिया, पॉइंट मत लगाइए बस। अब यहां पर देखिए काउंट करिए 30 है तो 30 है तो यहां से 3 डिजिट राइट साइड में डेसिमल जाएगा। तो यहां से काउंट करना शुरू कीजिए 1, 2। अब एक कम पड़ रहा है, जितने नंबर्स कम पड़ते हैं उतने जीरो हम लिख लेते हैं तो यहां पर 1 लिख लेंगे तो ये 3। अब इसके बाद डेसिमल आएगा और डेसिमल अकेले छोड़ा नहीं जाता है, उसके बाद 0 लिखना जरूरी होता है तो 3000 आएगा। कहने में 3000 है लेकिन लिखते समय आप ध्यान रखें, पॉइंट का मामला अगर कहीं भी है तो सिर्फ नंबर कंप्लीट नहीं लिखेंगे, वहां पर पॉइंट लगाकर 00 लगाकर छोड़ेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि जितने जीरो हों उतना लिखना है, उतने डिजिट राइट साइड में बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी पावर में लिखा होता है 10^6। ये पावर का क्या मतलब होता है? पावर का भी यही मतलब है कि जितने पावर लगे हुए हैं, जो भी संख्या पावर में लिखी हुई है उतने जीरो है 1 के बाद, यानी इसको हम 3.00 × 10 और ये 1 के बाद 60 है, 2, 3, 4, 5, 6, ये मतलब होता है इसका। अब यहां पर रिजल्ट लिखने के लिए 3 लिखिए और 00 लिखिए। अब देखिए 6, यहां पर 6 पावर लगी हुई है तो यहां से 6 डिजिट राइट जाना है आपको 1, 2। अब जो नंबर कम पड़ रहे हैं वहां 0 लिखते जाइए, 3, 4, 5, 6, पॉइंट यहां पर लग जाएगा और ये 00 आगे लिख दीजिए तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। ये है सिस्टम समझने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें 0 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वहां पर 0 काउंट करने हैं और डेसिमल को राइट साइड में उतने डिजिट बढ़ा देना है, बस इतना करना है। अब ये मल्टीप्लाई का था। अब देखिए यही अगर डिवाइड करने का हो जाए, अब इसी को डिवाइड करना हो, मान लीजिए इसको डिवाइड करना है 10 से तो यहां पर डेसिमल है आपको पता है 3 के बाद। अब ये डिवाइड करने में क्या होता है, ये डेसिमल लेफ्ट साइड में जाता है, लेफ्ट। अब यहां से काउंट करेंगे 30 लिख लीजिए और जहां था डेसिमल उसे लेफ्ट ले जाइए 1 डिजिट, क्योंकि यहां पर 10 है। जितने जीरो होते हैं तो ये 0.3, ये 0.3 आया है। लेकिन इसी तरीके से डेसिमल के पहले भी कोई नंबर जब ना हो तो 0 लिख लिया जाता है तो ये नंबर आपको मिल जाएगा, ये रिजल्ट आएगा 0.3। इस तरीके से आपको लिखना है, जब भी डेसिमल लास्ट हो रहा हो तो उसके बाद 0 लगा दीजिए, डेसिमल से कोई नंबर शुरू हो रहा है तो डेसिमल के पहले 1 लगा लीजिए। तो इस तरीके से रिजल्ट लिखे जाते हैं। यहीं पर मान लीजिए ये 100 होता या 1000 होता तो क्या करते, अब 3 डिजिट 30 है इसमें तो 3 डिजिट लेफ्ट जाएगा तो 3 लिखा हुआ था, यहां पर पॉइंट था
तो यहां से थ्री नंबर, वन टू है नहीं तो जीरो, फिर एक जीरो, अब यहां पॉइंट लगेगा, और लिखते समय जब पॉइंट सबसे पहले हो तो जीरो लगा दिया जाता है, तो जीरो, ये आ गया आपका 0.003। इस तरीके से ये नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखना है कि अगर कहीं जीरो पावर में ये लगी हो, 10 की पावर, यहां पर कोई दूसरा नंबर हो जहां पर एक नंबर ने लेकर के डेसिमल वाले नंबर बहुत ज्यादा हो, जैसे 3.628, यहां भी दो तीन नंबर बढ़ा लीजिए, 3.1 ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है 10 की पावर 5 से, ये है डिवाइड करना है। तो ये 5 ये बता रहा है कि इसमें 5 जीरो हैं, डिवाइड ये बता रहा है कि डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाना है, कितने डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट डेसिमल ये डिवाइड है तो लेफ्ट जाएगा नंबर, यही आएगा रिजल्ट में, यही नंबर कॉपी कीजिए, 3.1326 2.8 नंबर कॉपी कर लिया। अब देखिए डेसिमल था कहां, जहां पर था ये यहां था, तो यहां से 5 डिजिट लेफ्ट ले जाइए, 1 2 3 4 5 यहां पर आएगा। अभी सबसे पहले आ रहा है, जब सबसे पहले नंबर डेसिमल आ जाए तो वहां पर उसके भी पहले जीरो लिखा जाता है, तो ये रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से डेसिमल का, अब यहीं पर अगर ये मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर देखिए क्या होता है, यहां पर मल्टीप्लाई करने में भी कुछ नहीं, वही बात है, नंबर यही कॉपी करेंगे 3.1326 2.8, और देखिए डेसिमल कहां था, 3 और 6 के बीच में था, पावर 5 है, तो 5 जब आप पावर लगी हुई है तो हम इसको राइट साइड में 5 डिजिट बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, ये डेसिमल उठ करके यहां आ जाएगा, और लास्ट में कोई नंबर नहीं है इसलिए 0.0 लिख देंगे आप। इस तरीके से ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये रहा आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन लिखने में काम आएगा। अब देखिए जैसे इस तरह कोई नंबर लिखा हुआ हो और उसका यूज आपको डेसिमल में करना है, इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन आते हैं डेसिमल में करने के लिए, एक चैप्टर और आएगा, तो जिसमें डेसिमल में चेंज करना हो या उस नंबर को ऐसा नंबर में लिखना है जिसके पहले सिर्फ वन नंबर हो, एक डिजिट हो, तो हम क्या करते हैं, ये नंबर लिखा हुआ है तो यहां पर हम पहले इसी नंबर को यहां लिख लेते हैं 3., ये लिख लिया। अब 1.362800 लिखा हुआ है, ये आया आपका। अब यहां से ये काउंट करना है कि कितने डिजिट आपने लेफ्ट साइड में डेसिमल को किया, उल्टा चल रहे हैं हम, पहले इनटू जो नंबर था उसको तलाश कर रहे हैं, या हमें अभी क्वेश्चन जब आएंगे बड़े क्लासों में पहुंचोगे, फिजिक्स वगैरह में न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, तो वहां पर इस तरह कोई नंबर आ गया तो उसको 10 की पावर में लिखना होता है नंबर को, तब आप ऐसा करेंगे, ये नंबर आया मल्टीप्लाई करने के बाद, डेसिमल के पहले वन नंबर लिखना है, तो यहां से जब काउंट करना शुरू करेंगे तो देखिए कितने डिजिट आपने लेफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इंटू 10 लिखिए और पावर 7 लिखिए, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, अभी अभी जो मेथड बताया गया है तो उसका रिजल्ट ये आएगा, ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है, और ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और एक चीज अभी बता दें, क्योंकि आगे चल करके उसका यूज करोगे, वो ये कि इतने डेसिमल के बाद इतने डिजिट तक नंबर नहीं लिखे जाते हैं, वहां पर क्या होता है डेसिमल के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कुछ लिखा होता है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसने कह दिया कि डेसिमल के बाद आप केवल 2 डिजिट तक कोई नंबर लिखिए, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखना है ना, तो 2 डिजिट यहां तक होता है, तो उसके आगे वाले डिजिट को देखिए, वो डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो उस लास्ट डिजिट में 1 प्लस कर दिया जाता है और ये नंबर काट दिया जाता है, ये नहीं काउंट होता है। तो यहां पर हो जाएगा 3.14, क्योंकि ये 6 5 से ज्यादा है और ये 10 की पावर 7। इस तरीके से अगर ये
नंबर लिखा हो किसी क्वेश्चन में, ये पूछा जा रहा हो, कहा हो कि टू डिजिट तक जितने डिजिट का दिया जाए, लेकिन अगर थ्री डिजिट का यही क्वेश्चन होता कि थ्री डिजिट तक आंसर दीजिए, तो थ्री यहां पर आता और ये टू देखिए फाइव से छोटा है, तो ऐसे ही ये छूट जाता, 3.136 रिजल्ट आता इंटू 10 की पावर 7। तो ये काउंट करना है, ये ध्यान देना है कि अगर हम कहीं भी डेसिमल को कितने डिजिट तक लिखना है, कहां लगाना है, तो ये भी ध्यान रखना है कि उसके बाद वाला जिस जहां तक पूछा जाए, जैसे फोर डिजिट पूछा गया तो फाइव डिजिट नंबर पर जो लिखा हुआ उसको देखना है, और अगर फाइव से ज्यादा है तो फोर वाले डिजिट में वन ऐड करना है। ये तो अब देखिए, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ हो 0.000316, ये लिखा हुआ है, इसको आपको डेसिमल में ऐसे नंबर में चेंज करना है जिसके लास्ट पहले एक डिजिट हो, तो एक डिजिट कहां तक, वन डिजिट होने के लिए थ्री होना चाहिए, 3.16 इंटू 10। अब 10 देखिए इधर से काउंट कर, मतलब इसका मतलब यही रहना चाहिए, इस तरह लिखा जाता है, तो इंटू माइनस में पावर होगी, यहां से 1, 2, 3, 4 डिजिट आपने राइट किया, थ्री के बाद लाए हैं ना, यहां से काउंट करी यहां तक, ये फोर डिजिट आपने इधर उधर किया हुआ है, तो फोर आएगा, और ये डिवाइड है, लेफ्ट है, तो ये माइनस से बताता है कि इसको अगर हम सॉल्व करें, ये फोर पावर से डिवाइड करें इसको, तो ये आएगा, ये माइनस सिर्फ इतना बता रहा है कि इस नंबर को 10 के आगे 4 जीरो, 1 के आगे 4 जीरो लिख करके डिवाइड किया जाएगा, तो ये आएगा, यानी डेसिमल को जब हम राइट बढ़ाएंगे तो यहां पर माइनस में रिजल्ट आएगा, तो ये ध्यान रखना है, और वहां पर मल्टीप्लाई और डिवीजन में भी इन बातों को ध्यान में रखना है, और आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे किस तरीके से क्या होना है, पावर्स को भी ध्यान में रखना है कि जब पावर्स प्लस में है तो इसका मतलब है राइट जाना है, माइनस में है तो लेफ्ट जाना है, जैसे इसको सॉल्व करें, पावर माइनस में है तो यहां से डेसिमल डिवाइड करना आसानी से समझ सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए, सिर्फ डेसिमल को इधर उधर करके उनके जीरो को काउंट करके हम ये सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कितने सरल तरीके से इस कार्य को किया, अगर आपको ठीक लग रहा है तो इसको देखते जाइए, मैं डेली छोटी छोटी बातें जो कभी आपने भी सीखी थी उनको रिवाइज करा रहा हूँ, आपकी पूरी मैथमेटिक्स तैयार हो जाएगी। धन्यवाद।